उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदी बहने लगी है। देहरादून का अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। वहाँ का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ रखे डस्टबिन भी पानी में तैर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के अस्पताल का ये हाल है, जहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। देखिए कितना पानी भर गया है राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल में। सड़कें तो तालाब में तब्दील हुई हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसके अंदर भी नदी बह रही है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदी बहने लगी है। देहरादून का अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। वहाँ का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ रखे डस्टबिन भी पानी में तैर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के अस्पताल का ये हाल है, जहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। देखिए कितना पानी भर गया है राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल में। सड़कें तो तालाब में तब्दील हुई हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसके अंदर भी नदी बह रही है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदी बहने लगी है। देहरादून का अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। वहाँ का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ रखे डस्टबिन भी पानी में तैर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के अस्पताल का ये हाल है, जहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। देखिए कितना पानी भर गया है राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल में। सड़कें तो तालाब में तब्दील हुई हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसके अंदर भी नदी बह रही है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदी बहने लगी है। देहरादून का अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। वहाँ का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ रखे डस्टबिन भी पानी में तैर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून के अस्पताल का ये हाल है, जहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। देखिए कितना पानी भर गया है राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल में। सड़कें तो तालाब में तब्दील हुई हैं, लेकिन जो अस्पताल है उसके अंदर भी नदी बह रही है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल तालाब बन गया है। भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है।